मैं हूँ अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। फेक न्यूज़ जब फैलती है तो बहुत दूर तक, बहुत तेज और बहुत गहरा असर करती है। एक कहावत आपने भी जरूर सुनी होगी कि सच जब तक जूते पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक ऐसा ही फेक न्यूज़ यानी झूठी खबर फैलाई गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। पीएम मोदी भी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग के दौरे पर हैं। मोदी के वहां पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी खबर से लोग हैरान हैं। उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन एक दक्षिण अफ्रीकी न्यूज वेबसाइट डेली मैवरिक ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां दक्षिण अफ्रीकी सरकार का एक छोटा मंत्री ही मौजूद था, जिससे नाराज होकर पीएम मोदी प्लेन से उतरे ही नहीं तब तक जब तक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के कहने पर उपराष्ट्रपति उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट नहीं गए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए अपने कैबिनेट मंत्री को भेजा था। दक्षिण अफ्रीकी के ऑनलाइन पोर्ट डेली मैवरिक की रिपोर्ट ने दावा किया है कि भारत की ओर से इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मशाटिले को एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भेजा गया। दक्षिण अफ्रीकी डिजिटल न्यूज वेबसाइट की तरफ से एक रिपोर्ट ने बीते दिन खासी सुर्खियां बटोरी। उसने आरोप लगाया है कि उस पर भारत से साइबर हमला हुआ है। अफ्रीकी वेबसाइट ने दावा किया था कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए कैबिनेट मंत्री को भेजे जाने पर पीएम ने अपना विमान छोड़ने से इनकार कर दिया था। डेली मैवरिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्क्रॉल को बताया है कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हम भारत से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज DDoS हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार का साइबर हमला है जिससे किसी वेबसाइट या सर्वर पर भारी मात्रा में ट्रैफिक डालने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके विपरीत राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा व्यक्तिगत रूप से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सोमवार रात आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। बुधवार को शाम एक बयान में डेली मैवरिक ने अपनी सुरक्षा के हवाले से कहा कि कई घंटे पहले साइट अचानक बंद हो गई। हमने इसे बहुत तेजी से उठाया और बड़े पैमाने पर वितरित सेवा से इनकार हमले की पहचान करना शुरू कर दिया। हमने जांच की और पाया कि ये कई भारतीय सर्वरों से आ रहा है। न्यूज साइट के एडिटर चीफ ब्रैंको ब्रिक ने कहा ये स्पष्ट था कि इस हमले का उद्देश्य भारत के लोगों को इस कहानी तक पहुंचने से वंचित करना है, क्योंकि हमले के स्रोत को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इससे हमारे पास साइट की अखंडता की रक्षा के लिए भारत के पूरे डोमेन को ब्लॉक करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।